मारती क्यों है? 10 बज गए हैं, अभी तक सोया ही है? सपने ही देखता रहेगा या स्कूल भी जाएगा? जा, मैं नहीं जाता स्कूल। तू मुझे पहले चैन वाली बैग लाके दे। हाँ, तेरा बाप पैसों की झाड़ लगा कर गया था ना, हिला और ले ले बैग। चल उठ जा। तू स्कूल में क्यों बैठती है? सारे बच्चे मुझे झोला राम कह के चिढ़ाते हैं। अच्छा आज ले जा, कल ला दूंगी, ठीक है? तू रोज ऐसा ही बोलती है और झोला लेके भेज दे। हाँ जा, तैयार हो जा, मेरे को भी काम पे जा निकल। चल जल्दी तैयार हो जा और निकल, मैं जा रही हूँ काम पे। नेता लुदा कुछ नहीं, फालतू टाइम पास करने आता है यार। अंकल कल मेरी माँ पैसे देंगी, मैं पक्का लेके जाऊंगी। क्या इतने से वही बोल रहा है, चल जाए यहाँ से। एक साथ प्रतिज्ञा के लिए तैयार होंगे, तैयार हो। एक साथ प्रतिज्ञा शुरू करेंगे, शुरू कर। भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय, समस्त भारतीय मेरा भाई बहन है, मेरा भाई बहन है, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, और इससे रात रात विशाल विशाल एवं एवं ज्ञान मंडल पर, विवेक ज्ञान मंडल पर मुझे गर्व है, मुझे गर्व है, मैं सर्वदा, मैं सर्वदा इस देश, इस देश एवं एवं भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत
पीनेस पानी मिलेगा क्या? वो आ गई। ₹100 थोड़ा ज्यादा दो ना साहब, बच्चे को बैग दिलाना। ज्यादा पैसे हो ना तो ज्यादा माल ला, नहीं तो बच्चे को काम पे ला। सेठ, बच्चा है वो मेरा, पढ़ाई कर रहा है अभी, उसी के लिए तो काम कर रही हूँ, उसे कैसे काम पे लाऊं? तू चाहे तो दूसरा रास्ता भी है मेरे पास। सेठ, मुंह संभाल के बात करो। तू सोच ले, जिंदगी सवर जाए। सेठ ने भी ₹100 दिए हैं, राशन लो के बैग लूं, इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा। ए छोटू, ये सामान निकाल। कितने हुए इसके? ₹150। चिक्की अभी स्कूल से आ गया होगा, इंतजार कर रहा होगा बैग का, आज वो फिर से नाराज होगा। क्या कर रहा है? माँ तूने बैग लाई है ना, बताना कहाँ है बैग का है, पता ना? चल हट। हाँ आज लाने वाली थी, लेकिन आज सेठ नहीं था वहां पर, कल आने वाला है। माँ तो रोज ऐसा ही बोलती है। चिकू, खाना खा ले बेटा। कैसी माँ हूँ मैं, बच्चे की एक चाह भी पूरी नहीं कर सकती मैं। तू चाहे तो दूसरा रास्ता भी है मेरे पास।
बेटा। बच्चों आज अपनी अपनी सब बुक चेक कराओ। दर्शना बुक लेके आओ अपनी। चीकू अपनी बुक लेके आओ, चेक कराओ। ये क्या ऐसी बुक रखते है क्या? इसकी तुमको पनिशमेंट मिलेगी। हाथ नहीं करो, दूसरा हाथ दो। जाओ बैठो। मास्टर जी ने मुझे मारा। मैं कल तुझे पक्का बैग लाके दूंगी बेटा। कल तुझे पक्का बैग लाके दूंगी। अरे खाना तो खाते जा। ये लड़का बच्चों ध्यान दीजिए, आज अपने स्कूल में प्रमुख अतिथि के रूप में शिक्षा क्षेत्र से संबंधित सर आए हैं। अभी
सर यहाँ आएंगे तब आप क्लैप करके उनका स्वागत करेंगे। तो सर को निवेदन है कि सर आइए और हमारे बच्चों को थोड़ा मार्गदर्शन करिए। बच्चों कहानी सुनोगे? एक बच्चा था बिल्कुल तुम्हारी तरह, पढ़ाई में बहुत होशियार था लेकिन बहुत गरीब था। उसके पास में किताबें नहीं थी, किताबों के लिए वह सुबह न्यूज़पेपर बेचता था। उसके घर में बिजली नहीं थी इसलिए वह मिट्टी के तेल के दिए में पढ़ाई करता था, लेकिन दिए में तेल कम होने की वजह से वह दिया 2 ही घंटे चलता था। ऐसे वक्त उसके माता पिता खुद अंधेरे में रहकर वह अपना दिया उस बच्चे को देते थे। मिट्टी के तेल के दिए में पढ़ाई करने वाला बच्चा पता है आपको कौन था? उनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बच्चों मिट्टी के तेल के दिए में पढ़ाई करने वाला बच्चा जो आगे चल के मिसाइल मैन बन सकता है, आपके पास तो सब कुछ है। पढ़ाई करने के लिए किताबों का कवर नहीं, किताब चाहिए, किताब। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपका नाम रोशन करना है, आपके माता पिता का नाम रोशन करना है, आपके गुरुजन का और देश का नाम रोशन करना है, तो आपको आपके जीवन का एक मिनट भी बर्बाद न करते हुए लगातार पढ़ाई करना है। इतना जल्दी कैसे आ गया तू? एक चीज दिखाओ तेरे को। क्या माँ? ये ले तेरी बैग। माँ मुझे बैग नहीं चाहिए, मुझे समझ में आ गया है कि पढ़ने के लिए बैग जरूरी नहीं होता, उसके अंदर की किताब जरूरी होती है।